नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रीवा के हृदय स्थल सिरमौर चौराहे में व्यापारियों का अनशन का 21वां दिन। 78 दुकानदार बेरोजगारी के कगार पर पहुंच जाएंगे अगर उनकी दुकान यहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट की गई। कुछ ये कहना है व्यापारियों का। हमारी टीम ने व्यापारियों से बात की, आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। 78 दुकानों की रोजी रोटी पर संकट। अनशन के 21 दिन पूरे। रीवा के सिरमौर चौराहे पर अपनी दुकान हटाए जाने को लेकर दुकानदार लगातार अनशन कर रहे। हमारी टीम ने अनशन पर बैठे लोगों से बात की। मैं जावेद अंसारी, आप अपने स्क्रीन पर मैं आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहूंगा। व्यापारी संघवास बाजार सिरमौर चौक रीवा का ये अनशन है। 18 तारीख से ये अनशन यहाँ पर चालू है। वजह सीधी सादी और साफ है। सिरमौर चौराहे बगल में एक यहाँ पर फ्लाईओवर बनना है, उसमें लगभग 100 से ज्यादा दुकानें, एग्जैक्ट ये लोग बताएंगे, मेरी जानकारी कहती है 100 से ज्यादा दुकानें इस दायरे में आएंगी। इसी को लेकर ये लोग लगातार अनशन में हैं। बातचीत इनसे करूंगा। क्या है समस्या? हमारी समस्या यह है कि हमारी ये दुकानें सामने बनी हुई है, हमने फ्रंट में खरीदा है, हमको फ्रंट में दुकान चाहिए। यहाँ के शासन प्रशासन की मंशा है माननीय विधायक जी की कि यहाँ सामने माल और गोदाम बनेगा। माल और गोदाम बनेगा, बताइए। जी हाँ, ये सत्य है कि यहाँ जो सलरिया बिल्डर को ये पूरी जमीने भेज दी गई है और ये बेचने वाले जमीन हमारे माननीय विधायक जी है। हम चाहते हैं कि हमारी जो दुकानें यहाँ पे है उसे पुनः उसी तरह स्थिति में रहने दिया जाए। यह आवश्यकता है शासन को, ये 10 से 15 मीटर पीछे करके हमें दुकान बना, या तो यहीं पर रहने दिया जाए या तो इनको थोड़ा सा पीछे कर दिया जाए। हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। जैसे कि फ्लाई ओवर के अगर उसमें विकास में से अगर हमारी दुकान थोड़ी प्रभावित भी होती है तो फ्लाई ओवर की दुकान को अगर हम वहाँ से 15 मीटर लिया जाए, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा या हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ये दुकानें 90 दुकानों को खंड में बनाया जाता है, खंड में दुकानें न बनाकर हम जिस क्रम में हैं उसी क्रम में फ्लाई ओवर बनाने के बाद 5 मीटर 6 मीटर जो भी हो उसको हमको पीछे ला दिया जाए सीरियल से ही। लगातार आप लोग अनशन में हैं, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, किस तरीके से आप लोग की कब तक ऐसे बैठेंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। जो हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि हमें 10 से 15 मीटर पीछे कर दिया जाए, अन्यंत्र कहीं और विस्थापित रह किया जाए जहाँ पे व्यापार हमारा प्रभावित होगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाए, हमारे बच्चे भूखों मरे, ऐसी नौबत ना आने पाए। ऐसी हमारे माननीय विधायक जी से निवेदन है कि वो रोजी रोटी हमारी न छीने, हमारे घर का खर्चा चलता रहे, हमारी छोटी सी मांग है। आप लोग कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सवाल ये है कि क्या हर बात पर आप लोग इसी तरीके से अनशन में आएंगे? लगातार जिस तरीके से शहर का विकास हो रहा है, फ्लाई ओवर बन रहा, उस पे आप लोग अनशन की बात कर रहे हैं क्यों? देखिए, पहली चीज तो ये अव्यवस्थित विकास, हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि रीवा के ये जो भाजपा विधायक या भाजपा सरकार जो मध्य प्रदेश में है उनके द्वारा विकास नहीं किया जा रहा, सीधे सीधे विनाश किया जा रहा। इसके लिए आपकी पार्टी का महापौर रीवा में बैठा है, यह व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी, आप क्यों नहीं कर रहे? निश्चित तौर पर हमारे महापौर ने डेली ये प्रयास किया है, लेकिन दिक्कत अब क्या हो रही है, सरकार मध्य प्रदेश में आज के डेट पर भाजपा की है और हर काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। उसका परिणाम आपने देखा है कि एक ही काम के दो बार शिलान्यास और उद्घाटन, एक ही काम के 2 बार शिलान्यास, बात बड़ी हो जाएगी, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर फ्लाई ओवर बनने वाला है, अगल बगल दुकानें, क्या चाहते हैं अब आप? फ्लाई ओवर की तो आवश्यकता नहीं। हमने कलेक्टर मनोज पुष्प जी को विगत दिनों ज्ञापन दिया कि जहाँ भी आपकी लाल बत्ती रहती है रोटरी बजी रहती, आप बेसिक चीजें, आप भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, आप दिल्ली जाते हैं, जहाँ भी लाल बत्ती है कहीं चौराहे में आपको रोटरी दिखती है? सिरमौर चौराहा रीवा मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान का पहले जिला है और यहाँ के इंजीनियर मंत्री हैं। कैसे इंजीनियर भाई, जब लाल बत्ती लगी हुई तो रोटरी तो आपकी होनी नहीं चाहिए। इंजीनियर की बात मत करिए, आपको साथी रहा है जो मेरी जानकारी कर, मेरे से 1 साल पीछे पड़ते थे, मैं उनसे बड़ा था, मैं मात्र नंबर 1 पढ़ा और वो ढेरा से इंजीनियरिंग किया। अब आप क्या चाहते हैं?
हम ये चाहते हैं, विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बेमतलब का पैसा जो 45 करोड़ रुपया अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे माननीय गोपाल भार्गव जी ने बोला कि 10% से बिलो टेंडर एक्सेप्ट नहीं होंगे। इस फ्लाईओवर का 20% बिलो है। आप इस बात का जवाब पूछिए विधायक रीवा से और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और दुकानों का काम क्यों बंद कराया आपने? दुकानों का काम इसलिए कि अवैधानिक है, नगर नियम द्वारा नगर परमिशन नहीं की गई है, स्वीकृत नहीं है। मैंने नगर नियम के अधिकारियों से बात की, ओवरसियर यहाँ आए एक महीने पहले। कितनी दुकानें प्रभावित हो रही? प्रभावित यहाँ तो 78 दुकानें हमारी पूर्व की ओर है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, सिरमौर चौराहे सुभाष चौक पर। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।